ओके, वेलकम बैक इन डाइजेस्ट सिस्टम पार्ट टू। ठीक है, तो डाइजेस्ट सिस्टम पार्ट वन में हमने क्या स्टडी किया था, हमने उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, हमने ये समझा था कि डाइजेस्ट सिस्टम में किस चीज़ का डाइजेशन होता है और क्यों होता है। ठीक है, और हम माउथ तक पहुंच गए थे, मतलब हमारे मुंह में जब हम खाना चबाते हैं तब उस बीच मुंह में क्या क्या चल रहा होता है, क्या चीज़ टूट रही होती है, कौन कौन से एंजाइम हैं जो तोड़ रहे होते हैं, और इसके अलावा दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टीथ, और उनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है नाउ, और हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्टली डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया है, मुंह से ही। तो एक चीज़ याद रखिए कि मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुंह में केवल खाना पेस्ट की फॉर्म में ही नहीं बदलता बल्कि वहाँ पे डाइजेशन भी होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ये याद रखना है। नाउ कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है, पहले हम कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट कर लें। नाउ कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट डाइजेशन होता है बेसिकली हमारे कहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टमक में क्या लिखा है, प्रोटीज। स्टमक में बेसिकली प्रोटीज एंजाइम निकलता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता बेसिकली। ठीक है, इसके बाद जब हम ड्यूडेनम में पहुँचते हैं, ठीक है, तो ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं पे, ड्यूडेनम नहीं लिखा, चलो मैं बता देता हूँ। ये जो पार्ट है, दिस वन, दिख रहा है ना, ये पार्ट जहाँ पे लीवर और पैनक्रियास से आने वाली दोनों ट्यूब्स जिस जगह एलिमेंट्री कैनल या आहार नलिका से जुड़ी होती हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी का मतलब जो ग्रहण करे, क्या ग्रहण करेगी, जो रिसीव करे, किसको रिसीव करेगी, लीवर से आने वाले लीवर जूस को, या जिसको हम जनरली बाइल जूस कहते हैं, और पैनक्रियास से आने वाले पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करे। ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है ड्यूडेनम, या हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, जो क्या ग्रहण करती है, किसको रिसीव करती है, दो तरह के जूसेस को, एक बाइल जूस और एक पैनक्रियाटिक जूस। कैसे याद रहेगा, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक सिमिलर है, बस दूसरा जो बचा वो क्या होगा, लीवर से ही होगा। बाइल जूस मतलब ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, बाइल मतलब ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर के पास। क्यों, क्योंकि लीवर से जो जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होता है। कि और जैसे ही जैसे ही खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है, तुरंत ये जूस वहाँ से सीक्रेट होकर कहाँ पहुंचता है, एलिमेंट्री कैनल में पहुंचता है, और भोजन के साथ मिक्स होकर उसमें डाइजेशन शुरू करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, पैनक्रियास से जो एंजाइम निकलते हैं, यहाँ पे तीन तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स और लाइपेज। ठीक है, मतलब ये साफ है कि पैनक्रियास में या पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम तीनों का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, और वसा की। मतलब साफ है कि ड्यूडेनम में तीनों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, वसा का ही, लेकिन मुख में या माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, माइंडेड, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। इसके अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंजाइम कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है माल्टेज, कौन सा होगा, माल्टेज। अब देखो कंफ्यूज मत होना, माल्टोज और माल्टेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। माल्टोज एक सैक्राइड्स है और माल्टेज एक एंजाइम है, कैसे समझोगे अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले, एम ए एल टी ओ एस ई, ठीक है, माल्टोज, इसके बाद सुक्रोज, इसके बाद माल्टोज लैक, हाँ लैक्टोज, और वगैरह वगैरह बहुत सारे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स और यहाँ पे लिखा है माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, दोनों में क्या अंतर है पहले ये बताओ, दोनों में अंतर क्या है। देखो यहाँ पे ए एस ई जुड़ा है लास्ट में, और यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा है, ओ एस ई, ठीक है, तो जहाँ पे ओ एस ई जुड़ा होगा इट मीन्स दीज आर कार्बोहाइड्रेट। बट अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं और यहाँ पे क्या बना दूं, मैं ए बना दूं, ठीक, तो अब इनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब ये माल्टोज नहीं रहा, अभी क्या होगा, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया। इसका मतलब साफ है कि माल्टेज वो एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है, और सुक्रेज वो एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ेगा, लैक्टेज
वो एंजाइम है जो लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में तोड़ेगा, बिकॉज दिस ऑल आर डाइसैक्राइड, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये तीनों के तीनों क्या है, ऐसे एंजाइम्स हैं जो डाइसैक्राइड्स को मोनोसैक्राइड्स में तोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और क्लियर लिख दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा MLTOSE माल्टोज, तो उस माल्टोज किस में टूटता है, ये टूटता है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, डाइसैक्राइड मतलब क्योंकि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, ये डाइसैक्राइड हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये मोनोसैक्राइड से, ये सबसे सिंपल फॉर्म हुई। ठीक है, इनको तोड़ कौन रहा है, इनको तोड़ रहा है MALTASE, इनको तोड़ रहा है माल्टेज ना कि माल्टोज। ठीक है, ऐसे ही सुक्रोज में किसमें होगा, सुक्रोज में भी होगा, कि सुक्रोज को कौन तोड़ेगा, सुक्रेज। ठीक है, तो यहाँ पैनक्रियास से जो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होते हैं वो कौन 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 से हो सकते हैं, आपके माल्टेज हो सकता है, सुक्रेज हो सकता है, लैक्टेज हो सकता है। ठीक है, दीज आर द एंजाइम्स विच ब्रेक द डाइसैक्राइड्स इनटू मोनोसैक्राइड्स। ठीक है, आपको अभी भी अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इट्स योर प्रॉब्लम, आगे नहीं बता रहा मैं डिटेल में। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी चीज़ें भी तो करनी है। नेक्स्ट, पैनक्रियास के बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा, देखो ये ड्यूडनम में पहुँचा, ड्यूडनम के बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा, छोटी आंत में। ठीक है, अब छोटी आंत में ये है छोटी आंत, नॉट दिस वन। ठीक है, येलो कलर की जो बीच में है जहाँ पे लिखा भी है स्मॉल इंटेस्टाइन एरो बना गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोड्यूसेस ऑल द थ्री एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपेज। इसका मतलब साफ है कि छोटी आंत में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका कहाँ होगा, स्टमक अमाशय को छोड़ के माउथ में होता है, ड्यूडनम में होता है और छोटी आंत में होता है। ठीक है, तीन चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखिए, इस अमाशय में इसका डाइजेशन नहीं होता, तो ये तो हुई कार्बो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम होंगे, सेम वही एंजाइम होते हैं लगभग जो आपके पैनक्रियाज होते हैं, क्योंकि कुछ डाइसैक्राइड्स बच जाती हैं वहाँ डाइजेशन होने से, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ, माउथ में हुआ, ड्यूडनम में हुआ, ड्यूडनम क्या है, जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है यहाँ पे, ये दिस वन पार्ट। ठीक है, मैं इसको लेबल कर दे रहा हूँ यहाँ पे DUEDENUM, ड्यूडनम। ठीक है, ग्रहणी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहणी। अब नाउ इट्स टाइम टू प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, देखो मुख से भोजन कहाँ आएगा आपका, भोजन नलिका में, भोजन नलिका से भोजन कहाँ जाएगा आपके अमाशय में, स्टमक में, इसको क्या कहते हैं हम, स्टमक कहते हैं। ठीक है, तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक इट पंपस द फूड विद इट्स मस्कुलर बॉल, पंपस मतलब ये क्या करता है, उसको फूड को अपने अपने अंदर क्या करता है, पंपस का डिक्शनरी मीनिंग देखो समझ में आ जाएगा, वैसे बेसिकली क्या होता है, उसको मश करता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस प्रोटीएज एंजाइम, क्या करता है, प्रोटीएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो एंजाइम और दूसरा एसिड। एंजाइम तो समझ में आ रहा है कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए कर रहा है, लेकिन एसिड क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज सो स्ट्रांग, HCl भाई, HCl इमेजिन करो, बैटरी एसिड जैसा हार्ड, तो इसकी जरूरत क्यों हुई, वो इसलिए क्योंकि इसके दो कारण हैं, नीचे दिए हुए हैं, पहला काम टू किल बैक्टीरिया एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गिव राइट pH फॉर द प्रोटीज एंजाइम टू वर्क, दैट इज pH 2। मतलब साफ है कि स्टमक में जो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन और दूसरा कौन सा होता है, रेनिन। ठीक है, पेप्सिन बेसिकली एडल्ट में होता है और रेनिन बेसिकली चाइल्ड में सीक्रेट होता है, लेकिन दोनों एक साथ सीक्रेट नहीं होते, ध्यान रखने हैं। तो प्रोटीएज में एडल्ट में पेप्सिन और बच्चों में रेनिन को एक्टिवेट करने के लिए pH 2 या pH 2 होनी चाहिए, और pH 2 किसके द्वारा मेंटेन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। ठीक है, अगर pH 2 नहीं होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो प्रोटीज एंजाइम मतलब पेप्सिन और रेनिन एक्टिवेट नहीं होंगे, और ये एक्टिवेट नहीं हुए तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। तो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में क्यों जरूरी है? पहला, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, दूसरा टू गिव द राइट पीएच फॉर द प्रोटीज एंजाइम्स, ठीक है, विच वर्क एट पीएच 2। ये 1.8, कई बार आपको 1.8 भी मिलेगी, ठीक है, इट्स नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, 1.8। तो ये क्या होता है, मतलब स्टमक में यहाँ पे जब हमारा भोजन जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भोजन पूरा का पूरा एसिडिक मीडियम है यहाँ पे एकदम ये पे, ठीक है। तो स्टमक वॉल एसिड और एंजाइम दोनों सीक्रेट करती हैं, ठीक है। एंजाइम का काम पचाना होता है और एसिड का काम क्या होता है, उस एंजाइम को एक्टिवेट करना, सक्रिय करना, ठीक है, क्लियर। अब आगे की चीज़ क्या है, देखो तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, कौन सा एसिड सीक्रेट होता है यहाँ पे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉट H2SO4, नॉट HNO3, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाशय के पहले और अमाशय के बाद दोनों जगह एक प्रकार की मसल्स होती हैं जिनको कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, इनको रिंग्स और मसल्स, ये रिंग्स की फॉर्म में होती हैं। इन मसल्स का बेसिकली काम क्या होता है कि स्क्वीज्ड फॉर्म में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, स्क्वीज्ड फॉर्म में मतलब सिकुड़ी हुई एकदम, इसको पूरी तरह से अमाशय को दोनों तरफ से बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, ये स्टमक ही अडॉप्ट है इतने हाई या इतनी लो पीएच या फिर हाई एसिडिक मीडियम में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अगर गलती से भी एसिड ये ऊपर या नीचे पहुंच गया तो इट कैन डिग्रेड द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसीलिए स्फिंक्टर मसल्स जो होती है इट मोस्ट ऑफ टाइम रिमेन और शट और रिमेन स्क्वीज्ड। कई बार क्या होता है, ये स्फिंक्टर मसल्स वीक हो जाती है तो एसिड क्या होता है, बैकफ्लो होने लगता है, और जैसे ही बैकफ्लो होगा तो लोगों को बेसिकली हार्ट वर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें लगता है कि जलन जैसी हो रही है छाती में, ठीक है। और एसिडिटी तो आप समझते ही हैं कि खाना नहीं है और एसिड फिर भी सीक्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पेट में जलन जैसी शुरू हो जाती है, दैट इज एसिडिटी, ठीक है। तो स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है और अमाशय में क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो बेसिकली अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम से चाहिए होता है, प्रोटीएस एंजाइम, और प्रोटीएस एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन बड़ों में, रेनिन बच्चों में, और रेनिन लगभग 7 से 8 साल तक के बच्चों में सीक्रेट होता है, उसके बाद फिर वो रेनिन स्टॉप हो जाता है, पेप्सिन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन पाचन के बारे में। प्रोटीन पाचन कहाँ होता है आपका, देखो ड्यूडेनम ग्रैंड यहाँ भी होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटीएस एंजाइम पैनक्रियास से भी सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, प्रोटीन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटीन प्रोटीएस एंजाइम सीक्रेट हो। बस आपको याद इतना रखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रोटीन डाइजेस्ट होती हैं, तो यहाँ पे पेप्सिन नहीं होता है, यहाँ पे कुछ अलग एंजाइम होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होंगे अगर पेनक्रियास की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, और काइमोट्रिप्सिन। मैं थोड़ा इसको नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, पहले नंबर वन हमने बात की थी, अब मैं थोड़ा इनको समराइज कर दूँ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, नंबर वन माउथ में हुआ, ठीक है, नंबर टू कहाँ, ड्यूडेनम ग्रहणी में हुआ, ठीक है। ग्रहणी में किसके द्वारा, याद रखो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकला था, कौन सा, अरे बोलो भाई, पटाइलिन यार, टाइलिन, यस, जिसको हम अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, अमाइलेज, ठीक है, इसने ब्रेक किया। ड्यूडेनम में फिर पैनक्रियास से एंजाइम आया था, लीवर से नहीं, ठीक है, लीवर से कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं आता जो किसको ब्रेक करे, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो ये किससे आया था, पैनक्रियास से, और पैनक्रियास से कौन सा आया था, बोलो भाई, तीन एंजाइम थे, माल्टोज को तोड़ने के लिए, माल्टेज, और लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लैक्टेज, और सुक्रोज को तोड़ने के लिए, सुक्रेज, ठीक। थर्ड नंबर पे इसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फिर आप कह सकते हो इलियम और जुजनम भी कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे भी क्या थे, सेम एंजाइम थे, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होते, इसकी वॉल से सीक्रेट हुए थे, और वॉल से भी सेम एंजाइम थे जो ऊपर थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने किसकी बात करनी है, हमने किसकी बात की अभी, प्रोटीन की बात की, नंबर टू प्रोटीन, प्रोटीन क्या यार, प्रोटीन की स्पेलिंग भी बताओ,
ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ है, स्पेलिंग ये नहीं है इसकी, गलत हो रही है, ठीक है, आई नहीं होगा फिलहाल। तो प्रोटीन ई होता है, देख लेना यार, कई बार हो जाता है बेसिक। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ था, सबसे नंबर वन स्टमक, इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, अमाशय, ठीक। अमाशय में क्या निकला था, पेप्सिन एंजाइम निकला, ठीक है। पेप्सिन किस में निकला था, एडल्ट में, बड़ों में। और दूसरा एंजाइम क्या होता है, रेनिन सीक्रेट होता है, और रेनिन किस में सीक्रेट होता है, चाइल्ड, बच्चों में, जो लगभग 7 से 8 साल तक, ठीक है। और रेनिन का बेसिकली एंजाइम क्या होता है, रेनिन क्या करता है, रेनिन कैजीन एक प्रोटीन होती है जो मिल्क प्रोटीन होती है स्पेशली, ठीक है। केजीन प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पैरा केजीन में, केजीन को पैरा केजीन में तोड़ता है, ठीक है। और इन दोनों के एक्टिवेट होने के लिए पीएच कितनी थी, इन दोनों के एक्टिवेट होने के लिए पीएच कितनी होती है, यस 1.8 to 2 पीएच, ठीक है। कौन सा एसिड सीक्रेट होता है यहाँ पे, HCl, ठीक। इसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, इसके बाद कहाँ होता है प्रोटीन का डाइजेशन, नंबर टू, यस ड्यूडिनम, ये N है, ठीक है। ड्यूडिनम में इसका डाइजेशन होता है, और ड्यूडिनम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ से आते हैं, यस बताइए, पैनक्रियाज से यार, नॉट लीवर, ठीक है, लीवर से नहीं, लीवर से केवल बाइल जूस सीक्रेट होता है जो फैट के एसिड में पाचन करने में सहायता होता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज से कौन से एंजाइम से प्रोटीन को डाइजेस्ट करते थे, यहाँ पे आपके ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। इसके बाद जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है कहाँ होता है, नंबर थ्री प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन से होते हैं, सेम एंजाइम जो कि पैनक्रियास से जैसे होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है आपका, क्लियर हो गया। अच्छा, अब थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे बाइल जूस फैट की, थर्ड नंबर पर बात किसकी करनी है हमने, फैट, बसा का पाचन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे डायग्राम में क्लियर कर लें, उसके बाद समराइज कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कहाँ पर दिखा, कहाँ कहाँ दिखाया जा रहा है आपको, देखो माउथ में डाइजेशन नहीं होता बसा का, ठीक है, बसा का पाचन स्टमक में नहीं होता है, लेकिन ड्यूडनम में होता है, क्यों, क्योंकि ड्यूडनम में यहाँ से लीवर से, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली हो दिख सके, यहाँ से ड्यूडनम में जो गॉल ब्लैडर है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, गॉल ब्लैडर वेयर बाइल इज स्टोर्ड बिफोर इट्स इंजेक्टेड इनटू द इंटेस्टाइन, आंत में सीक्रेट होने से या रिलीज होने से पहले कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में होता है, और गॉल ब्लैडर इसका मतलब क्या हुआ, स्टोरेज हाउस ऑफ बाइल जूस विच इज सीक्रेटेड बाय द लीवर। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। कई बार आपने सुना होगा ना कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोन्स हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती हैं, स्टोन्स। तो कई बार फाइनली इसका क्या है ट्रीटमेंट, कि इसको काट करके बाहर निकाल दिया जाता है, इसके बाद फिर क्या होता है, लोगों को गैस की प्रॉब्लम ही काम हो जाती है, क्यों, क्योंकि एंजाइम्स डायरेक्टली सीक्रेट होकर सीधे इंटेस्टाइन में पहुंचते रहते हैं, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर से एंजाइम निकल के कहाँ गए, आपके ड्यूडनम पार्ट में, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एंजाइम नहीं है बेसिकली, ये बाइल जूस है, और ये जूस क्या करता है, पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो लाइपेज का एक्टिवेशन कब होता है, जब बाइल जूस कहाँ पहुँचता है, इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो बेसिकली लाइपेज एंजाइम सीक्रेट हो रहा है पैनक्रियाज से, बट वो एक्टिवेट किसके द्वारा हो रहा है, लीवर के, लीवर द्वारा सीक्रेट होने वाले बाइल जूस से, ठीक है। इसके बाद आगे जाएं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, यहाँ पे भी लाइपेज एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो बसा का पाचन कहाँ कहाँ होता है, हमारे ड्यूडनम पार्ट में, और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इसको समराइज कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे हमने बात की थी बसा की, ठीक है। तो बसा का पाचन कहाँ कहाँ होता है, नंबर वन पे, नंबर वन ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, ठीक है। और ड्यूडिनम में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम किससे सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज से, ठीक है। और इसके एक्टिवेशन के लिए, एक्टिवेट होने के लिए क्या जरूरी है, एक्टिवेटेड
बाय किसके द्वारा सक्रिय होता है, काम करना कब शुरू करता है, जब बाइल जूस आता है, और सॉरी ये सी है ठीक है, बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ से आता है, लीवर से, क्लियर। सेकंड नंबर पर इसका डाइजेशन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ भी लाइपेज एंजाइम होता है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम जो लाइपेज है ये किससे सीक्रेट हो रहा है, किससे सीक्रेट होता है, इंटेस्टिनल वॉल से, इंटेस्टिनल, इंटेस्टिनल वॉल से ठीक है। और इसका लाइपेज का काम क्या होता है, बेसिकली लाइपेज क्या करता है, लाइपेज का काम होता है जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ना, और ये किस कौन तोड़ता है, लाइपेज ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ता है, जिनको जनरली आप ट्राई ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स या फिर डाइग्लिसराइड्स, क्लियर हो गया। तो तीनों के पाचन की हमने बात कर ली ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, कौन करता है, कहाँ होता है, फैट और प्रोटीन का पाचन कौन करता है, कहाँ होता है, किस तरह से होता है ठीक है। अब डायग्राम में हर चीज़ को हम समराइज करते हैं थोड़ा यहाँ पे ठीक है, बचा क्या, हाँ बचा ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक चीज़ समझ लो कि इस लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी बेसिकली किसी का डाइजेशन नहीं होता है, क्यों, बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से फैक्ट हैं, थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं वन बाई वन। सेलेबरी ग्लैंड हमने कर लिया, स्टमक हमने कर लिया ठीक है, ईसोफेगस कर लिया, स्फिंक्टर गल्स कर लिया ठीक है। लीवर में क्या दिखाया, देखो लीवर क्या करता है, वेयर बाइल इज प्रोड्यूस्ड, बाइल इमल्सीफाइज फैट्स एंड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड ठीक है, टू मेक कंडीशंस राइट फॉर द एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पे जो पीएच थी, यहाँ पे कितनी पीएच थी, 1.82 पीएच। अब अगर इतनी ही पीएच से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम पार्ट में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं करेगा, ऊपर से इंटेस्टिनल वॉल को डिग्रेड कर देगा। तो यहाँ पे इसको बेसिक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो एंजाइम्स आते हैं, जो जूसेस आते हैं, पेनक्रेटिक जूस और बाइल जूस, ये क्या करते हैं, इसकी पीएच को चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस यहाँ पे मिलते हैं तो इसकी पीएच कितनी हो जाती है, यहाँ पे 7.8। नाउ इट इज़ नॉट एसिड, इट इज़ बेसिक बेसिक ठीक है। तो ये अम्लीय से कैसी होगी, क्षारीय होगी ठीक है, मतलब फ्रॉम एसिड टू इट कन्वर्टेड इनटू बेसिक। अब ये जब बेसिक हो जाती है तब क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाता है, डाइजेशन होती होती है फिर फाइनली फूड कहाँ पहुँचा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है। तो ये बताया गया आपको कि बाइल क्या होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है, इमल्सीफाई करता है, इमल्सीफाई में डाइजेस्ट करता है किसको, फैट को ठीक है, और स्टमक जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और उसकी पीएच को 7.8 के करीब लाता है ठीक है। नेक्स्ट के बाद भोजन जो फूड होता है वो कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा, देखो प्रोड्यूसेस ऑल थ्री एंजाइम्स, प्रोटीएज एंजाइम्स जिसमें आपका ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम जिसमें आपके माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज होते हैं, लाइपेज एंजाइम जो कि फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, दिस इज ऑल्सो वेयर द फूड इज एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन तो वैसे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फाइनली जो मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूट गई, फैट फैटी एसिड्स में टूट गई, लेकिन जब तक ये सारे के सारे ग्लूकोज अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स हमारे जब तक ब्लड में नहीं जाएंगे तब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमारे ब्लड में कहाँ जाते हैं, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुँचते हैं ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीज ऑल सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है। और ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, द इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद द विल्लाई सेल्स, VILLI, विल्लाई सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग। ये क्या होती है, कुछ ऐसी उंगली नमा बहुत सारी लंबी लंबी कोशाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इन सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं ठीक है। तो दीज आर द विल्लाई सेल्स ठीक। तो बिल्लाई सेल्स कहाँ होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। क्या काम होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स या अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज या फिर फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपको याद रखना है, वेयर द एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड। एक्सेस वाटर क्या होता है, फूड में अगर एक्सेस वाटर है तो उसको कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। एक चीज़ और कि इसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर
इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। रेक्टम, नाउ लास्ट द बलून लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है? इट स्टोर द फीकस मटेरियल, मीन फीकस मीन्स वेस्टफुल मटेरियल, ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम बिफोर दे बिड योर फूड फेयरवेल थ्रू द एनस, मतलब जिस इसको बाहर एक्सक्रेट करने से पहले इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? रेक्टम में, ठीक है। तो जो फीकस मैटर होता है वो आपको कहाँ रहता है? रेक्टम में स्टोर होता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, लार्ज इंटेस्टाइन से एक स्मॉल टेल लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, दिस वन, ठीक है। इसको कहा जाता है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, का क्या कहा जाता है इसको? बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, और सेसी अंग जिसको हिंदी में कहते हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी बट दे डज नॉट परफॉर्म एनी स्पेशल फंक्शन, मींस अगर उनको निकाल भी दिया जाए तो हमारे ऊपर, हमारे शरीर में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये क्रमी रूप परिशेषिका जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्रमी रूप परिशेषिका, ठीक है। तो ये कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है, नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्ट सिस्टम। अब इसको एक बार ढंग से रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली सारी चीज़ हो चुकी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, कौन सा डाइजेशन कहाँ, प्रोटीन का कहाँ, कार्बोहाइड्रेट कहाँ, वसा का कहाँ होता है, ठीक है। अगर कुछ फिर भी कोई भी डाउट अगर आपको कहीं पर रहता है या छूट गया है तो आप उसको मीन्स ईमेल कर सकते हैं, and I will try my best and as soon as possible I will give you an satisfactory answer, okay? So thank you for watching this video, have a nice day.